हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एयरवे एंड वाटरवे इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की सब्जेक्ट है, इकेटीयू में चलती है। तो फ्रेंड, आज हम उसकी पहली यूनिट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ फ्रेंड आगे आने वाली वीडियोज़ में हम टोटल यूनिट जो है रेलवे इंजीनियरिंग की उसको हम कवर करवा देंगे, ठीक है फ्रेंड। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, हमारे चैनल के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं उनको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और हमारे चैनल पर स्टील स्ट्रक्चर जो है आपकी सब्जेक्ट फाइनल ईयर में जो चलती है उसकी भी वीडियो आनी शुरू हो गई है। यूनिट वन मैंने कवर कर दी है, उसकी दो वीडियोज हैं टोटल, मैंने उसको कवर करके अपने चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा दी है, ठीक है। और उसके नोट जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, और आज की वीडियो का जो नोट्स है रेलवे इंजीनियरिंग का उसको भी टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसके बाद सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड पूरी फाइनल ईयर में आपको जो भी प्रोजेक्ट से या इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ ही साथ फ्रेंड हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियोज आती हैं उनके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रेलवे इंजीनियरिंग जो आपकी रेलवे एयरवे वाटरवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या क्या है। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन टू परमानेंट वे एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ना है, हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ इंडियन रेलवे, फिर रेल्स, टाइप्स ऑफ रेल, रेल गजेज गेजेस, ठीक है फ्रेंड, परमानेंट वे फॉर्मेशन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, फिर रिक्वायरमेंट सेक्शन इन एम्बैकमेंट एंड कटिंग सिंगल डबल ट्रैक के लिए पढ़ना है, इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक पढ़ना है, लोकोमोटिव पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड, फिर व्हील एक्सल अरेंजमेंट पढ़ना है, कोनिंग ऑफ व्हील पढ़ना है, डिफेक्ट इन रेल फास्टनिंग, फेस प्लेट, स्पाइक, चेन, कीज, वेयरिंग प्लेट, स्लीपर, फिर इसमें हमें टिम्बर स्लीपर, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर, कॉन्क्रीट स्लीपर, प्री स्ट्रेस स्लीपर, फिर स्लीपर डेंसिटी, फिर बेलास्ट मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या है उनकी, ये सब हमको पढ़ना है पहले यूनिट में, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको परमानेंट वे के बारे में बताता हूँ, परमानेंट वे क्या होता है। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले ईजी वे में आप समझ लो परमानेंट वे होता क्या, जो आपका रेलवे ट्रैक होता है ठीक है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट वे बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेलवे ट्रैक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर एंड रेस्टिंग ऑन बेलास्ट एंड सबग्रेड, यानी कि जो रेलवे ट्रैक होता है किससे किससे कंबाइन होता है, एक रेल से होता है, रेल का मतलब जो पटरी होती है उसको हम रेल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड, इसको हम रेल बोलते हैं, ठीक है। और देखो फिटेड ऑन स्लीपर यानी कि जिसपे आपका ये रेल फिट रहता है, यानी कि जो आपका कॉन्क्रीट का नीचे एक बेस बना रहता है उसको हम स्लीपर बोलते हैं, एंड रेस्टिंग ऑन बैलास्ट एंड सबग्रेड, यानी कि बैलास्ट आपको पता ही होगा जो बोल्डर होते हैं फ्रेंड, गिट्टा, उसको हम बैलास्ट बोलते हैं, और सबग्रेड आपकी जो नेचुरल ग्राउंड लेयर है उसको हम सबग्रेड लेयर बोलते हैं, या अगर मान लीजिए कहीं की नेचुरल ग्राउंड लेवल लेयर सही नहीं रहती है तो वहाँ पर हम एक अलग से लेयर बनाते हैं उसको हम सबग्रेड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, रेलवे ट्रैक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर एंड रेस्टिंग ऑन बैलास्ट। तो पहले पॉइंट में यही बताया गया कि जो आपका रेलवे ट्रैक होता है रेल के कॉम्बिनेशन के साथ स्लीपर पर फिट होता है और बाय द हेल्प ऑफ बैलास्ट एंड सबग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है, एसेंशियल फंक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक इज टू सपोर्ट एंड गाइड द व्हीकल दैट रन ओवर इट, यानी कि जो रेलवे ट्रैक का मेन फंक्शन है वो जो आपकी ट्रेन होती है उसको गाइड करती है कि उसको किस रूट पर चलना है, यानी कि किस हिसाब से मूव करना है आगे, ठीक है, एक तरीके का रूट है, ठीक है फ्रेंड। देखो अगला पॉइंट क्या है, द कन्वेंशनल रेलवे ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू रेल्स लोकेटेड एट फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट, द प्रेशर एग्जर्टेड ओवर द बाय द रेल इन टर्न ट्रांसमिटेड टू द फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्लीपर एंड बैलास्ट, यानी कि देखो इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो आपका रेलवे ट्रैक होता है किससे, दो रेल से कंसिस्ट होता है, यानी कि एक रेल इधर रहती है एक रेल इधर रहती है, ठीक है, और जो यानी कि प्रेशर जो आपका ट्रेन के जो पहिए रहते हैं उसकी वजह से जो प्रेशर निकलता है, ठीक है, उसको क्या करती है, जो रेल रहती है उसको ग्राउंड पर ट्रांसफर करती है, यानी कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्राउंड पे, ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट देखो क्या है, रेलवे ट्रैक इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट वे, मैंने आपको बताई दिया कि रेलवे ट्रैक को परमानेंट वे भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द नेम परमानेंट वे इज गिवेन टू डिस्टिंग्विश द फाइनल लेआउट ऑफ द ट्रैक फ्रॉम टेम्परेरी ट्रैक, ठीक है, यानी कि जो परमानेंट वे आपका रहता है, तो देखो इसमें क्या बता रहे, द नेम परमानेंट वे इज गिवेन टू डिस्टिंग्विश द फाइनल लेआउट ऑफ ट्रैक फ्रॉम टेम्परेरी ट्रैक, ठीक है, टेम्परेरी ट्रैक आर लेड फॉर कन्वीनियंस ऑफ अर्थ एंड मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, यानी कि इसमें यही बताया जा रहा है कि जो आपका रेलवे ट्रैक रहता है उसको मतलब कि एक
हम सबसे पहले जो अपना कंस्ट्रक्शन करवाते हैं परमानेंट वे का, उसको एक टेम्परेरी ट्रैक के हिसाब से उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से यानी जो टेम्परेरी ट्रैक की डिजाइनिंग हो जाती है फैन, तो उसके बाद हम क्या करते हैं इसको एक लेआउट प्लान के थ्रू उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बिछाते हैं पूरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, इन परमानेंट वे रेल्स आर ज्वाइंट इन सीरीज बाय फिश प्लेट एंड बोल्ट्स एंड देन दे आर फिक्स्ड टू स्लीपर बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनिंग, यानी कि जो परमानेंट वे होता है उसमें मतलब रेल जो रहती हैं वो एक कॉन्टिन्यूसली ज्वाइंट रहती है, यानी कि एक रेल मान लीजिए यहाँ पे इंड हो रही है तो यहाँ से दूसरी रेल ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। किसकी हेल्प से, जिसकी हेल्प से ज्वाइन होती है उसको हम बोलते हैं फिश प्लेट। आगे मैं अभी बताऊंगा फिश प्लेट बोल्ट ये सब क्या होते हैं फिर, ठीक है फ्रेंड। ये आपके रेल फास्टनिंग सिस्टम है, यानी कि रेल को फिट करने में यूज होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए द स्लीपर प्रॉपरली स्पेस रेस्टिंग ऑन बैलास्ट आर सुटेबली पैक्ड एंड फिक्स्ड विद बैलास्ट, यानी कि जो आपका स्लीपर रहता है वो भी एक स्पेसिंग पे मतलब कि स्प्रेड रहता है, यानी बिछाया जाता है, और उसके नीचे हम क्या रखते हैं फ्रेंड, बैलास्ट रखते हैं, जिससे कि हमारा जो ऊपर से आने वाला प्रेशर है यानी कि ट्रेन की पहियों से जो प्रेशर आ रहा है वो प्रॉपर वे में ग्राउंड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस लेयर ऑफ बैलास्ट रेस्ट ऑन द प्रिपेयर्ड सबग्रेड कॉल्ड द फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि जो आपका ये सब सारी लेयर रहती है, बेलास्ट की लेयर रहती है, स्लीपर रहते हैं, ये सब हमारे किस पे एक प्रॉपर लेयर पे फॉर्म मतलब कि इनका फॉर्मेशन हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं सबग्रेड लेयर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका परमानेंट वे का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, तो देखिए यहाँ पे ये आपका नेचुरल ग्राउंड हो गया फ्रेंड। इसके ऊपर अगर मान लीजिए कि नेचुरल ग्राउंड सही नहीं रहता है तो वहाँ पे हम एक सबग्रेड की लेयर डालते हैं, उसके ऊपर हमारा आपका क्या रहता है बेलास्ट, ये देखिए एक ब्लैंकेट की लेयर रहती है, ठीक है फ्रेंड। यानी कि कहीं कहीं आप देखे होंगे लाल टाइप का एक मुर्रम टाइप का रहता है, उसको हम स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शनल रहता है, आप इसे बिछा भी सकते हो नहीं भी बिछा सकते हो। फिर उसके ऊपर आपका बैलास्ट की लेयर रहती है, यानी कि जो आपके बोल्डर रहते हैं उनकी लेयर रहती है, ठीक है। अब देखो उसके ऊपर आपके क्या रहते हैं फ्रेंड, स्लीपर रहते हैं। स्लीपर देखो ये ब्लैक वाला कलर का जो आपको दिख रहा है स्लीपर है। इसके बाद देखो आपका क्या है रेल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई फ्रेंड। तो ये आपका परमानेंट वे का टोटल मतलब कि फॉर्मेशन हो गया। तो ये देखो जो आपका ये मतलब ब्लैंकेट और सबग्रेड जो लेयर रहती है इसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मेशन लेयर बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका जो सब बैलास्ट को लेकर के इसको ट्रैक फाउंडेशन बोलते हैं। इसके बाद आपको परमानेंट वे आपको पता ही हो गया फ्रेंड परमानेंट वे क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा क्या है कौन आइडियल, देखो रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल परमानेंट वे मतलब परमानेंट वे की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो सबसे पहले द गेज शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट। गेज क्या होता है फ्रेंड, जैसे देखो दो रेल की पटरियों के बीच की जो इनर डिस्टेंस रहती है, यानी कि देखो एक पटरी ए है एक पटरी ए, इन दोनों के बीच की इनर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं गेज बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है द गेज शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट, यानी कि गेज आपका एकदम यूनिफॉर्म रहना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ 1 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक बिछाई गई है, तो यहाँ पे अगर आपका गेज 1000 सेंटीमीटर यानी कि मान लो कि आपका 1.7 मीटर है, ठीक है फ्रेंड, और मान लो इधर भी आपका 1.6 मीटर, तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं है ना फ्रेंड। तो यही बता रहा है द गेज शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट, यानी कि आपका गेज सही होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है आपका देखो बोथ द रेल शुड बी एट द सेम लेवल इन स्ट्रेट ट्रैक, यानी कि जो आपकी दोनों रेल की पटरियाँ हैं वो एकदम सेम मतलब कि एक सेम और एक सेम लेवल पे रहनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ऐसा नहीं कि मतलब कि ये ज़्यादा ऊपर है और ये ज़्यादा नीचे है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें नीचे ऊपर भी रखते हैं लेकिन कहाँ रखते हैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। थर्ड पॉइंट है देखो ऑन कर्व्स प्रॉपर सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द आउटर रेल, यानी कि देखो कर्व पर जैसे कि मान लो आपकी पटरियाँ कहीं घूम रही है तो वहाँ पर जो हमारी आउटर रेल रहती है उसको यानी कि जो आउटर वाली पटरी रहती है उसको हम थोड़ा सा उठा देते हैं, जिससे कि हमारा एक सुपर एलिवेशन प्रॉपर वहाँ पर मतलब कि होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना फ्रेंड, जहाँ पे कर्व रहता है। आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़े होगे तो मैं उसमें बताया हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर सुपर एलिवेशन कर्व पर प्रोवाइड करवाना पड़ता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है ट्रैक शुड हैव इनफ लेटरल स्ट्रेंथ, यानी कि जो ट्रैक है उसकी स्ट्रेंथ इनफ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखो ट्रैक मस्ट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जो आपका रेलवे ट्रैक है उसमें मतलब कि प्रॉपर इलास्टिसिटी को फॉलो करे, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस एंड सुपर एलिवेशन प्रोवाइड ऑन कर्व शुड बी प्रॉपरली डिजाइन, यही बताया जा रहा है जो पीछे बताया हूँ आपको, ठीक है।
ऑल जॉइंट्स पॉइंट एंड क्रॉसिंग शुड बी प्रॉपरली डिजाइन, यानी कि जो आपके रेलवे ट्रैक में पॉइंट्स होते हैं, क्रॉसिंग होती हैं, उनको एक प्रॉपरली डिजाइन करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी प्रोवाइड करवा दे। नेक्स्ट देखो, ड्रेनेज सिस्टम शुड बी परफेक्ट, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम आपका परफेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आपकी रेलवे की पटरियों के बीच में मतलब पानी ना रुके, ठीक है फ्रेंड। ये है आपका नेक्स्ट है देखो, इट शुड हैव एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ ईजी रेनवल एंड रिपेयर, यानी कि देखो इसको ऐसा बनाना चाहिए कि मतलब अगर मान लो फ्यूचर में हमें कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इसको हम रिन्यू कर सकें, यानी कि बदल सकें, और रिपेयर की अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम रिपेयर भी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, द कंपोनेंट ऑफ ट्रैक दैट इज रेल फिटिंग स्लीपर बैलास्ट मस्ट फुली सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट फॉर इज दे आर प्रोवाइडेड, यानी कि जो फिटिंग रेल क्या बोलते हैं, जो आपका फास्टनिंग सिस्टम है, स्लीपर्स हैं, ब्लास्ट हैं, ये सब अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब देखो एक रेलवे ट्रैक है, इसके एग्जांपल थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो ये आपका क्या है, इन दोनों को हम रेल की पटरियाँ बोलते हैं, ठीक है, यानी इसको रेल बोला जाता है, ठीक है। और ये देखो आपका स्लीपर हो गया, इसको हम बोलते हैं बैलास्ट, ठीक है, यानी कि जो गिट्टा है इसको हम बैलास्ट बोलते हैं। और देखो इसको हम क्या बोलते हैं, रेल फास्टनिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अभी मैं आगे बताऊंगा कौन सी की होती है, किसको हम फिश प्लेट बोलते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो गेज ऑफ रेलवे ट्रैक, अब गेज क्या होता है यहीं पे आप समझ लो। देखो दो रेल की पटरियों के बीच की जो इनर डिस्टेंस होती है, यानी कि इससे और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, हम इसको गेज बोलते हैं। अब गेज हमारे कई तरीके के होते हैं, अब देखो गेज मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो गेज ऑफ रेलवे ट्रैक इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग और गेज फेस ऑफ टू रेल्स, यानी दो रेल की पटरियों के बीच की जो इनर डिस्टेंस होती है उसको हम गेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो द रनिंग फेस आर द इनर फेसेस ऑफ द रेल इन इंडिया, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ गेज, यानी कि यहाँ पे आपके तीन तरीके के गेज है, एक ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ठीक है फ्रेंड। वैसे तो होते हैं चार, एक स्टैंडर्ड गेज भी होता है, बट आपको तीन ही पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका मतलब कि जो ब्रॉड गेज रहता है उसमें इनर डिस्टेंस आपकी कितनी रहती है, 1676 mm रहती है, ठीक है फ्रेंड। और देखो जो मीटर गेज रहता है आपका, वहाँ पे डिस्टेंस कितनी रहती है, दो इनर फेस के बीच 1000 mm रहती है, ठीक है। और जो नैरो गेज रहता है वहाँ पे 762 mm रहती है। तो देखो अगर इसको हम फीट में देखना चाहें तो फ्रेंड, देखो फीट में भी आपको मैं बता देना चाहूँगा, फीट में देखो ब्रॉड गेज की 5 feet 6 inches रहती है, मीटर गेज की 3 feet 3.375 inches रहती है, और इसकी नैरो गेज की आपकी 2 feet 6 inches रहती है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो ब्रॉड गेज की सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ है, मतलब कि हम ब्रॉड गेज कहाँ कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, तो देखो इसके, अब देखो यहाँ पे बताना चाहूँगा। अब देखो ब्रॉड गेज इज सूटेबल फॉर अंडर दी फॉलोइंग कंडीशन, यानी ब्रॉड गेज को हम फॉलोइंग कंडीशंस के केस में यूज करते हैं। देखो व्हेन सफिशियंट फंड आर अवेलेबल फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट, यानी जब रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सफिशियंट फंड अवेलेबल हो तो वहाँ पे हम ब्रॉड गेज प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है, व्हेन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू आर वेरी ब्राइट दिस गेज इज देयर फॉर यूज फॉर द ट्रैक, ठीक है। यानी कि देखो जब आपका मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, यानी कि फ्यूचर अगर मान लो इन फ्यूचर कभी बाय चांस उसको रिपेयरिंग की या वहाँ पे रिन्यू करने की उसको आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे फंड अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ पे हम ब्रॉड गेज प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो प्लेन एरिया में मैक्सिमम इसको हम प्रोवाइड करवाते हैं ब्रॉड गेज को, ठीक है। और देखो विच आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और वेयर द ट्रैफिक इंटेंसिटी आर वेरी हाई, यानी कि जो मतलब कि घनी आबादी वाले क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे हम ब्रॉड गेज प्रोवाइड करवाते हैं, और जहाँ पे ट्रैफिक की इंटेंसिटी यानी कि रेल का आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे हम ब्रॉड गेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मीटर गेज, मीटर गेज क्या होता है, देखो फ्रेंड व्हेन द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ टू पैरेलल रेल्स फॉर्मिंग ए ट्रैक इज 1000 mm, देन द गेज इज कॉल्ड एज मीटर गेज, यानी कि जब दो रेल की पटरियों के बीच कि इनर जो डिस्टेंस रहती है वो 1000 mm हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मीटर गेज बोलते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द गेज इज नोन एज मीटर गेज, ये तो आपको पता चल गया। देखो 40% इंडियन रेलवेज हैव बीन लेड ऑन दिस गेज, यानी कि जो 40% इंडियन रेलवे की जो रेल की पटरियां हैं वो आपकी मीटर गेज पर बिछी हुई हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट है देखो सूटेबिलिटी ऑफ मीटर गेज, मीटर गेज की हम कहाँ कहाँ सूटेबिलिटी, इसको कहाँ कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। इस केस में भी देखो व्हेन द फंड अवेलेबल फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट आर इन एडिक्वेट, यानी कि जब आपके पास प्रॉपर फंड ना मतलब कि अवेलेबल हो तो वहाँ पे मीटर गेज प्रोवाइड करवा देते हैं। अगला पॉइंट है देखो व्हेन द प्रोस्पेक्टस ऑफ फ्यूचर ऑफ रेवेन्यू आर नॉट वेरी ब्राइट, यानी कि जैसे मान लो कि उसमें आपका जो ब्रॉड गेज था उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या था, ब्राइट था, तब हम जाके उसको प्रोवाइड करवा देते थे। इसमें देखो फ्रेंड ये बता रहा है कि जब आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यानी कि भविष्य में मान लीजिए कि उसको रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा मतलब कि अवेलेबल ना हो, उस केस में हम ब्रॉड गेज को प्रोवाइड कराते। नैरो गेज कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि हिली एरियाज हो गई फ्रेंड, तो वहाँ पे हम नैरो गेज प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है।
वैसे बहुत कम इंडियन रेलवे की जो पटरियां हैं नैरो गेज के हिसाब से बनाई गई हैं, ठीक है। तो नैरो गेज आपका लगभग देखो 10% इंडियन रेलवे ट्रैक हैज बिन लेड ऑन दिस गेज। फ्रेंड ये पहले पुराने के डाटा हैं, तो इस हिसाब से अभी फिलहाल के डाटा सब चेंज हो चुके हैं। अभी इस समय हमारा जो मैक्सिमम रेलवे ट्रैक है वो स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज पे बन रही है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो स्टैंडर्ड गेज क्या होता है। स्टैंडर्ड गेज वैसे दिया नहीं था उसमें, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जो दो रेल की पटरियाँ रहती है उनके बीच की जो इनर डिस्टेंस रहती है 1435 mm रहती है या 1451 mm रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गेज बोलते हैं। आई बात समझ में फ्रेंड? तो ये आपकी होगी गेज मैंने बता दिया और आपको परमानेंट वे के बारे में बता दिया। अब अगला टॉपिक हमारा रेल है। रेल क्या है? रेल की पटरियों को ही रेल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखो इसमें रेल ऑन द ट्रैक कैन बी कंसिडर है स्टील गर्डर फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग एक्सल लोड, यानी कि जो आपकी रेल होता है किससे बना होता है, स्टील गर्डर से बना होता है जो कैरी करता है एक्सल लोड, यानी कि जो पहियों के लोड जो पहिए से लोड आता है उसको कैरी करता है, ठीक है। तो देखो रेल आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील टू विथस्टैंड वियर एंड टीयर, यानी कि जो आपका रेल की पटरियां रहती है वो हाई कार्बन स्टील से बनी रहती हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट है देखो, रेल आर मेंबर ऑफ ए रेलवे ट्रैक लेड इन टू पैरेलल लाइंस, यानी कि जो आपका रेल है एक रेलवे ट्रैक का मेंबर है जो आपकी मतलब कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में स्प्रेड रहता है यानी बिछा रहता है, ठीक है। अब देखो रेल की क्या क्या फंक्शन है। तो देखो पहला है कि प्रोवाइड से कंटिन्यूअस एंड लेवल सरफेस फॉर मूवमेंट ऑफ हैवी एक्सल लोड इन ऑर्डर टू अवॉइड हजार्डस कंडीशन ड्यू टू इंडक्शन ऑफ स्ट्रेसेस और मूवमेंट, यानी कि जो आपका रेल है वो एक कंटिन्यूअस सर्फेस प्रोवाइड करता है, एक लेवल सर्फेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा जो व्हीकल यानी कि ट्रेन रहती है वो आराम से मूव कर सके, ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट है देखो, प्रोवाइड से स्मूथ सर्फेस टू कीप फ्रिक्शन बिटवीन द रेल्स एंड व्हील टू ए मिनिमम, यानी कि देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है जिससे कि हमारे जो पैसेंजर रहते हैं वो डिस्कम्फर्ट फील ना करें, ठीक है फ्रेंड, और हमारी रेल की जो हमारी ट्रेन रहती है वो आसानी से मूव कर सके। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है, वियर द स्ट्रेस ड्यू टू द हैवी वर्टिकल लोड लेटरल फोर्स ब्रेकिंग फोर्सेज एंड थर्मल इफेक्ट रेल शुड बी एबल टू बियर द स्ट्रेस विदाउट फेलियर, यानी कि जो ऊपर से लोड आ रहा है वो आपकी रेल की पटरियाँ प्रॉपर वे में उसको कैरी कर सके, ठीक है, यानी कि ब्रेक ना हो, तो इसको हम बोलते हैं चौथे पॉइंट, तीसरे पॉइंट के थ्रू हो गया, ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट है देखो, शुड ट्रांसमिट लोड टू ए ग्रेटर एरिया बिलो लोड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम रेल टू स्लीपर एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस प्रेशर ऑन बैलास्ट एंड फॉर्मेशन बिलो, यानी कि आपकी जो रेल एक प्रॉपर वे में स्प्रेड होनी चाहिए कि जिससे कि जो ऊपर से आने वाला यानी जो ट्रेन के पहियों से लोड आ रहा है उसको मतलब कि प्रॉपर वे में स्लीपर और बैलास्ट को ट्रांसफर कर दे, जिससे कि हमारा लोड रेल की पटरियों पे प्रॉपर वे में ना पड़ सके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है फ्रेंड। यानी कि रेल की पटरियाँ जो होती हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती हैं, जो ऊपर से आने वाले लोड को ग्राउंड पर क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि एक जगह से आता है तो इसको स्प्रेड कर देती, फैला देती है हर जगह, ठीक है, ये होता है। अगला पॉइंट है देखो, प्रोवाइड से मटेरियल। तो देखो फ्रेंड, अब यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया था, देखो कंपोजिशन ऑफ रेल स्टील यानी कि जो रेल की स्टील होती है वो किस किस से कंपोजिट होकर बनी होती है। तो देखो रेल आर जनरली मेड बाई ओपनिंग अर्थ सरफेस, ठीक है, रेल स्टील इज कंपोज ऑफ कार्बन मैग्नीशियम सिलिकॉन सल्फर फॉस्फोरस से कंपोजिशन, यानी कि जो आपकी रेलवे की स्टील रहती है वो कार्बन से मिलकर बनी रहती है, मैग्नीशियम रहता है उसमें, सिलिकॉन रहता है, सल्फर रहता है, फॉस्फोरस रहता है, ठीक है। देखो फॉर ऑर्डिनरी रेल हाई कार्बन स्टील इज यूज, यानी कि जो आपकी रेल होती है उसमें हाई कार्बन स्टील यूज होता है, ठीक है। देखो फॉर रेल ऑन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग मीडियम कार्बन स्टील इज यूज, यानी कि रेलवे की क्रॉसिंग के पास और आपका मतलब कि वहाँ पे हम किस ज़्यादा कार्बन के परसेंटेज वाली स्टील का यूज नहीं करते हैं, यानी मीडियम कार्बन स्टील का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखो रेल की हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं उनको देखो। तो देखो पहला है प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ स्टील, यानी कि स्टील का प्रॉपर कंपोजिशन होना चाहिए। अब देखो सफिशियंट वर्टिकल एंड लेटरल स्टिफनेस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, डीप एंड हार्ड वेयरिंग सरफेस ऑफ हेड, यानी कि जो आपका हेड रहता है वो आपका हार्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सफिशियंट वेब थिकनेस। अब देखो फ्रेंड, वेब इसको बोलते हैं, आपका जो रेल आपकी कुछ इसी प्रकार की होती है ना, ये आपका हेड हो गया, इसको हम वेब बोलते हैं, ठीक है, वेब इसको बोलते हैं, ठीक है। सफिशियंट वेब थिकनेस यानी कि जो ये वेब होता है इसकी थिकनेस भी सफिशियंट होनी चाहिए। फिर देखो सफिशियंट फुट थिकनेस एंड फुट विड्थ, यानी कि जो ये आपका फुट है, ठीक है, इसको हेड बोलते हैं, इसको फुट बोलते हैं। फुट आपका मतलब इसकी विड्थ भी प्रॉपर होनी चाहिए, सफिशियंट होनी चाहिए, और इसकी थिकनेस भी सफिशियंट होनी चाहिए। अगला पॉइंट है देखो, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन और मटेरियल ऑफ रेल इज इन हेड वेब एंड फुट, यानी कि देखो जो आपका मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है यानी कि एक प्रॉपर वे में रहना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेड पे कुछ ज़्यादा स्टील का मतलब कि
मटेरियल का कंपोजिशन एट एट के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा कुछ कम होगा वेब पे, ठीक है, फिर आपका फ्लैट पे थोड़ा और कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सफिशियंट फुट थिकनेस, सॉरी बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल ऑफ रेल इन हेड वेब एंड फुट, यानी कि हेड वेब और फुट पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एक बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। अगला है देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेल सेक्शन शुड बी अप्रोक्सीमेटली एट मिड हाइट, ठीक है, यानी कि जो आपका सीजी रहता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, ठीक है फ्रेंड, इसका जो सीजी रहेगा रेलवे के ट्रैक का, वो आपका मतलब क्या कह रहा है, अप्रॉक्सीमेटली एट मिड हाइट, यानी कि जो बीच का पार्ट रहेगा वहाँ पे इसका सीजी बनना चाहिए, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनना चाहिए। आई बात समझ में? अब देखो रेल सेक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें तो हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, एक डबल हेडेड बुल रेल होता है, दूसरा होता है हमारा बुल हेडेड रेल होता है, तीसरा हमारा फ्लैट फुटेड रेल होता है, ठीक है फ्रेंड। डबल हेडेड रेल देखो ये होता है कि जिसका मतलब कि अपर और लोअर पार्ट, जैसे कि ये देख लो, ये अपर पार्ट यानी हेड और फुट दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पहले के समय में ये यूज होती थी, ठीक है फिर, ताकि एक तरफ का हमारा पोर्शन खराब होता था तो इसको उल्टा करके हम दूसरी तरफ से लगा देते थे, ठीक है। तो देखो दीज रेल इन इंडिकेट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि जब बहुत जल्दी हमें जरूरत रहती है तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखो इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, अपर टेबल, वेब, लोअर टेबल। अपर टेबल देखो फ्रेंड इसको बोलते हैं हेड वाले पार्ट को, ठीक है, वेब इसी को बोलते हैं और लोअर टेबल इस वाले पार्ट को बोलते हैं। आई बात समझ में? अब देखो बोथ अपर टेबल एंड लोअर टेबल वर आइडेंटिकल, यानी कि सेम रहते हैं, अपर टेबल और लोअर टेबल आपस में इक्वल रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन अपर टेबल गेट्स वर्न आउट देन द रेल कैन बी इन्वर्टेड एंड रीयूज, यही बताया जा रहा है कि अगर आपका अपर टेबल खराब हो जाता है तो रेल को उल्टा करके हम फिर से यूज कर सकते हैं, लोअर टेबल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, दिस टाइप ऑफ रेल प्रैक्टिकली आउट ऑफ यूज इन इंडियन रेलवे, यानी कि अब मतलब कि इसको इंडियन रेलवे में यूज नहीं किया जाता, पहले के समय में यूज किया जाता था, ठीक है फ्रेंड। अब देखो नेक्स्ट है हमारा बुल एडेड रेल। बुल एडेड रेल में क्या होता है कि जैसे कि इसका जो टॉप एडर टॉप, ये जो आपका टॉप वाला है पोर्शन, इसके कंपैरिजन में आपका ये जो लोअर वाला पोर्शन रहता है थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, तो ये बुल हेडेड रेल इसको हम बोलते हैं। तो देखो द नेक्स्ट इवोल्यूशन वाज दैट ऑफ बुल हेडेड, यानी कि जब डबल हेडेड रेल के बाद हमारी कौन सी बुल हेडेड रेल आई, ठीक है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, हेड, वेव एंड फुट, ठीक है, हेड, वेव एंड फुट, ठीक है। अब देखो अगला है, हेड वाज लार्ज साइज देन फुट, यानी कि ये जो आपका हेड है इसकी साइज आपकी बड़ी होती है एज कंपेरिजन टू फुट, ठीक है, सो दैट इवन आफ्टर वियर इट कैन विथ स्टैंड स्ट्रेसेस, ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट देखो, फुट इज डिजाइंड ओनली टू फर्निश नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस टू रेल, यानी कि फुट को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ऊपर से आने वाला लोड। तो देखो फ्रेंड अगला पॉइंट है हमारा, जो बुल हेडेड रेल होता है आर स्पेशली यूज फॉर मेकिंग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, यानी कि देखो जो बुल हेडेड रेल जो हमारा रहता है उसको हम बेसिकली पॉइंट्स और क्रॉसिंग, यानी कि जो क्रॉसिंग्स रहती हैं वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, उनको बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड अगला पॉइंट है आपका फ्लैट फुटेड रेल। फ्लैट फुटेड रेल आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज होता है। देखो दीज रेल आर ऑल्सो कॉल्ड विग्नोर रेल आफ्टर द नेम ऑफ इन्वेंटर, ठीक है, यानी कि जो फ्लैट फुटेड रेल रहती है इसको हम विग्नोल रेल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेंटर के जो इसका इन्वेंटर रहता था उसका नाम विग्नोल से था, तो इसलिए इसको हम विग्नोल रेल भी बोलते हैं, ठीक है। देखो इस इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, यानी ये भी हमारा तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, पहला हेड रहता है, दूसरा वेब, तीसरा फुट, यानी कि हेड वाला आपका पोर्शन ये हो गया, वेब ये हो गया, अब फुट आपका ये रहता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो फुट का वेट रहता है हेड के कंपेरिजन में ज़्यादा रहता है, ठीक है। देखो अबाउट 90% ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैक इन दी वर्ल्ड आर लेड विद दिस फॉर्म ऑफ रेल, यानी कि जो हमारे 90% भारतीय रेलवे ट्रैक हैं, ठीक है, सॉरी 90% जो रेलवे ट्रैक है पूरी दुनिया में वो इसी रेल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। इन इंडिया फ्लैट फुटेड रेल आर मोस्ट कॉमनली यूज, यानी कि हमारे भारत में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है फ्रेंड। आप देखो ये तीनों रेल हैं, ये आपकी बुलेट सॉरी बु, क्या बोलते हैं, डबल हेडेड रेल है, फिर बुल हेडेड रेल है, फिर फ्लैट फुटेड रेल है। डबल हेडेड रेल में देखो हेड और फुट की विड्थ आपकी इक्वल रहती है, 7-7 सेंटीमीटर रहती है। हेड की जो आपकी थिकनेस रहती है कितनी रहती है, 4.65। जो वेब की हाइट रहती है 6.35 रहती है, और इसकी जो थिकनेस रहती है 1.9 सेंटीमीटर रहती है। और देखो इसकी विड्थ कितनी है, 7 सेंटीमीटर, हाइट भी सेम रहती है, ठीक है फ्रेंड। जो टोटल हाइट रहती है वो 15.25 सेंटीमीटर रहती है। ये आपका देखो दूसरा बुल हेडेड रेल हो गया, तीसरा फ्लैट फुटेड रेल हो गया, सारी चीज़ों का कंपोजिशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप
इसको ध्यान देना, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट वे कैसे होता है, यानी परमानेंट वे का फॉर्मेशन किस प्रकार से है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। देखो ये मैंने पूरी यूनिट का जो है आपका नोट्स मैंने तैयार कर लिया है, अब मैं धीरे धीरे आपको ये पूरी यूनिट कवर करवा दूंगा दो वीडियो में, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।